जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सुबह सुबह जो हमारे मैना मतलब पंछी लोगों का जो आप आवाज़ सुनते हो चू चू करके, जो हमें 4:30 बजे ही सुबह उठा देते हैं, इसलिए आप देख सकते हो हमारे घर के पीछे में इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं कि सुबह सुबह ही हमें एकदम मधुर आवाज़ सुनाई देती है, कहानों तक हमारी पहुंच जाती है। वो इस पेड़ को देख सकते हैं, ढेला का पेड़ हमारे जो घर के बाजू में बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हमारा घर हो गया और इधर ये बगान हो गया और इधर देख सकते हैं पेड़ हो गए। तो इस तरह से मधुर आवाज़ से हमारी दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। तो आज मौसम थोड़ा बारिश वाला है, तो मैं आज आपको थोड़ी सी अपनी बगान लेके जाती हूँ कि क्या क्या पापा लगाए हैं बगान में सब्जी। आइए, 15 से 20 पौधे होंगे छोटे छोटे, उधर भी है एक दो, इधर भी है, उस साइड में भी है। तो अभी मैं पापा को बोली कि लगा दीजिए साइड साइड में, वो अच्छा से वो फल देंगे। तो पापा बोले अभी नहीं लगाएंगे, जैसे बारिश होगी ना, बारिश में मिट्टी गीली रहती है, तब लगाएंगे तो तुरंत वो लग जाता है। तो दोस्तों, ये जो पपीता है आप देख सकते हो बहुत सारा फूल दिया है। पपीता जब फलेंगे तो एक साथ एकदम यहाँ से फलते हैं, यहाँ से ले जाके एकदम ऊपर तक फलते हैं। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे पपीता लगा हुआ भी है, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा होने में टाइम लगेगा। पता नहीं आम फला है कि नहीं, ऐसे तो सुने थे कि फूल वूल दिया है। इसके पीछे भी देख सकते हैं पपीता का पौधा है बहुत सारा, लेकिन है हाँ। और डूमर का भी है, पपीता का भी है, इधर हो गया आम का शायद दो है, और ऊपर में है ये बैर का झाड़ है, बैर भी बहुत मीठी है। का मामला हो तब तो पापा बोलेंगे कि नहीं सब्जी खरीद के नहीं खाना, मैं खुद लगा लूँगा। और पानी की, पापा बोले पानी की जब यहाँ पर सुविधा है तो फिर क्यों खरीद के खाना। तो देखिए पापा क्या क्या लगा। लाल साग है और हरा साग आप देख सकते हो यहाँ पे है, और इधर से भिंडी है, भिंडी लगाई हुई है, और यहाँ पर जो है थोड़ा सा करेला लगाया हुआ है, जो अभी शायद इनका लत जो है सूख रहे हैं। मतलब हो गया बहुत फला, फल बहुत दिया है। इधर से भिंडी छोटे छोटे हैं, उधर बड़े हैं, मतलब एक ख़त्म होते हैं तो थोड़ा सा फिर से लगा देते हैं। इधर से पपीता का पौधा आप फिर से देख सकते हो, यहाँ पर भी है, मतलब हरा भरा। पापा से जितना बन पड़ता है वो अपनी बगान को हरा भरा रख करने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं सावित्री, ये समीर और ये शुभम, सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी सी क्लिप आप लोग को दिखाई, हमारा जो टूर ही समझ लीजिए बगान का, जो पापा जो लगाए हैं, और कहाँ मैं शॉर्ट वीडियो बनाती थी, आंगन में तो हम बनाते ही थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बगान में भी लेते थे ताकि हरियाली, पेड़ पौधा ये वो दिखे इसलिए। और अभी मैं छत्ता आई हुई हूँ, और सच में मैं भी ये पहली बार ही देख रही हूँ ये साड़ी, जो आप देख सकते हो भाई ने जो बनाया इतना मेहनत से। सच में अगर आप किसी चीज़ में इतने मेहनत करते हो तो आपको वो सफल होना जरूरी है, वो फल जरूर मिलेगा। तो सच में मेरे जाने के बाद उन्होंने और मेहनत किया, बार बार आप मेरे को मत बोलिए कि सावित्री दीदी आपके चलते भाई ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसको हमेशा से देखती आई हूँ, साइकिलिंग करके इतना मेहनत करता था, कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, जैसे डांसिंग में हो गया, मुझे तो डांस आता ही नहीं, आपको पता है, वो मुझे छोटी छोटी स्टेप सिखाता था कि दीदी आप ऐसे करो वैसे करो, तब जाके मैं धीरे धीरे करती थी। और एकदम ऐसे ऐसे मैं शॉर्ट लेती थी ताकि मैं कर पाऊँ, और वो शॉर्ट बनाने के लिए उसको कितना जो टाइम, घंटों लग जाता था एक वीडियो डालने में, जो हम लोग टिकटॉक में डालते थे। तो आप देख सकते हो, आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कैसे भाई क्या किया है। दोस्तों, ये देख सकते हैं ये किचन है, जो किचन का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी साफ सफाई जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, लाइट वगैरह लग जाएंगे, फिर किचन का भी काम पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग किचन में भी आ जाएंगे, किचन का भी ब्लॉग आ जाएगा डांस सनातन में। और आप, ये किचन हो गया छोटा सा जो बनाया है, और बहुत सुंदर बनाया है, बहुत बारीकी से जो भी बनाया है। और ये हो गया ये भाई का, जो भाई अपने लिए बनाया है, ये देख सकते हो उनका जो बेडरूम है ये इस प्रकार से है। और मैं बैक करती हूँ, इनका जो काम करने का जो तरीका है जो भी हो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और इधर से हो गया हॉल, ये हॉल देख सकते हो, हॉल का डिजाइन भी इतना सुंदर किया है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर जितना हमारा रूम घर जो भी बन रहा है वो गणेश जी ही कर रहे हैं, और गणेश जी के ही दिमाग से सब कुछ बन रहा है। और यहाँ पर क्या है ना, भाई का भी दिमाग है, थोड़ी अंजलि का भी है, और
वो लोग थोड़े समझदार भी है और मुझे इस सब के चीज में कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और एक रूम है जो कि यहाँ पर बहुत प्यार से मेरे छोटे भाई के लिए सोना ने बनाया था कि पापा और छोटे भाई रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बस हमारी नसीब खराब बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, जो छोटे भाई हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत मिस करते हैं उनको, लेकिन फिर भी स्माइल करके ब्लॉग बनाते हैं हर एक दिन के भांति, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हो कि ब्लॉग बनाना हमारे लिए कितने ज़रूरी है। और बहुत मिस करती हूँ इस रूम में, जब भी घुसती हूँ बस बादल बादल का ही याद आते रहता है। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है हमारा आंगन। अभी हमारा आधा अधूरा ही काम हुआ है, लाइट फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। होते हैं ना कि हमारे उधर जैसे तो उतना भी खराब मिस्त्री नहीं है, लेकिन थोड़े से होते हैं ना कि वो लोग एक जगह काम नहीं करते, वो लोग दो तीन जगह काम लेके रखते हैं। जैसे वहाँ थोड़ा सा करेंगे तो फिर आके इधर करेंगे, तो इस टाइप से होता है। और हमारे उधर के तो क्या ही बोले बाबा, इतना जैसे किसी को ना मिले ऐसे मिस्त्री लेबर, ऐसे मतलब परेशान हो गए। बताए आज तक 1.5 साल में हमारा घर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, जो क्या बोले। खैर तो इस तरह से आप देख सकते हो, और मैं बैक करके भी आप लोग को दी। दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये अभी अभी इनका काम हुआ है। आपने डांसर सनातन के ब्लॉग में देखा होगा, नीचे नीचे काम नहीं हुआ था, अभी हुआ है। और ये तार वार जो है अभी भी वैसे ही झूल रहा है, अभी इनका भी लाइट फिटिंग का काम अभी भी सोच सकते हो कि भाई का काम बहुत बाकी है। और ये जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, वाला लोहा है हमारे महाराष्ट्र से, यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में महंगा है, यहाँ थोड़ा सा कम है। क्योंकि हमने जब पूछा कि स्टील का भाव तो कुछ ज़्यादा ही बोले थे, और यहाँ जब मैंने भाई को पूछा तो भाई ने जब रेट बोला तो थोड़ा सा फ़र्क लगा कि यहाँ थोड़ा कम है वहाँ ज़्यादा है। लेकिन जिधर से समझिएगा बराबर ही लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम। अगर वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ कम, तो कोई कोई जैसे टाइल्स का यहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर कम है, तो बराबर ही हो जाती है कहीं ना कहीं पे। दोस्तों आपको तो पता है कि हर एक यादें जो जुड़ी हुई है वो हमारे इसी घर से, और यही हमारा पहला जो पक्का मकान बना था वो हमारा यही घर है। और इधर आप देख सकते हो मेरी मम्मी, और यहाँ पे बादल, सोना, मैं, सरस्वती दीदी, पापा, मम्मी। बहुत मिस करती हूँ मैं। तो बोली थी कि ऐसे ही फोटो मेरे को एक सेम टू सेम ला देना जब वहाँ आओगे। तो उस टाइम भाई का कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ कि बेचारा मेरे पास वैसे फोटो ला ही नहीं पाया, लेकिन अब जब मैं जाऊँगी तो ये फैमिली फोटो फिर से और एक निकाल के वो मैं लेके जाऊँगी। तो इस घर में तो पता है कितनी यादें जुड़ी हुई, मिट्टी वाले घर तो इतनी अपनी मम्मी अपने हाथों से बनाई थी। लेकिन बोलते हैं ना कि जैसे दिन चल रहा है उसको देखते हुए सब कुछ बदलना पड़ता है। तो फिर घर बनाए, और घर सबकी बस बात नहीं होती कि घर बना पाना इतने मेहनत से, लेकिन ये जितना कुछ आज किया है सब भाई के बदौलत है। अगर कहते हैं ना मैं साथ नहीं, अगर भाई का हाथ अगर मेरे सिर पे नहीं होता ना, तो शायद मैं महाराष्ट्र में आज अपना मकान खड़ा नहीं कर पाती। तो उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाया, तब जाके मेरा अलग चैनल खुला, तब जाके कहीं मैं अपना वीडियो डाल के अपना भी वहाँ पर अपना घर बना पाई। दोस्तों लगभग तो हो ही गया है, बस थोड़ी प्लास्टर बाकी है, और वो भी आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से वो भी जल्दी। दोस्तों देखा, अगर कोई इंसान अगर अपने मन से मेहनत करता है और वो मेहनत करने छोड़ता नहीं, देखिए पहले सबको नहीं मिलता। अगर पहले आप बोलिएगा कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, अभी तक मेरे पास क्यों नहीं कुछ भी आया, तो मैं यही बोलूँगी कि बार बार अगर आप किसी को दिखा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, अगर आप यूट्यूबर हो तो वैसे नहीं होता। जाइए, मिलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहनत करनी नहीं छोड़िए। और जितना हो सके अपने बलबूते पर खुद जैसे हो, आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग वीडियो जिस हालत में थे उसी हालत में हमने अपना वीडियो डालते थे। फटा पुराना चप्पल रहे ना रहे, जैसे फटा पुराना रहता था भाई उसी गमछा में अपना डांस वीडियो डालते थे, और आज यहाँ तक पहुँचा है।
उसी के बदौलत ये घर बनाया है, और हम सब बहनों का आशीर्वाद तो उनके सिर पे हमेशा रहेगा। और ये जो हमारे 1 मिलियन का जो YouTube फैमिली डांसर सनातन को जो मिला है, उनका आशीर्वाद तो रहेगा ही, बस उसी के बदौलत आज यहाँ तक पहुँचा है और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आई होप ये आज का मेरा भाई का होम टूर पसंद आया होगा। और प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें कि भाई इतना बड़ा घर बना लिया और आपको क्यों नहीं दिया। बार बार मैं जब भी ब्लॉग डालती थी, जब भी मेरा कुछ सिचुएशन होता था, आप लोग के सामने मैं रखती थी, बोलती थी कि आज मेरा ऐसा हो गया, आज मेरा वैसा हो गया, इन्होंने पैसा लेके चला गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप बोलते थे कि भाई के पास क्यों नहीं मदद मांगते हो। तो देखिए, भाई ने मुझे इतना बड़ा यूट्यूब चैनल खोल के दिया, जिससे कुछ ना कुछ तो आती है और हमारा हमेशा सहारा बनता है। तो अब हर एक चीज़ अगर भाई ही देगा तो फिर मैं क्या करूँगी। जब एक इंसान को भगवान ने भेजा है तो उसका तो काम रहता है ना कि यहाँ पर आप काम कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। तो वही बात है, और भाई मदद करते हैं, ऐसे बात नहीं कि कोई बहन को वो नहीं छोड़ते। मैं तो कहती हूँ ऐसा भाई शायद ही किसी को मिला होगा जो हम चारों बहन के नसीब में सनातन मिला है, जो अपने आप का दुख दर्द छुपा के दूसरों का हेल्प करता है। अभी भी कोई भी आते हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया, कोई गरीब लड़की का ये का वो कभी शो अप नहीं करता, लेकिन वो देता, उससे जितना बनता वो देता है। और कोई भी मंदिर वंदिर का दान धर्म जहाँ से उसके पास आया कि भाई आपको इतना देना पड़ेगा, वो अपने आप को नहीं देखता कि मैं किस सिचुएशन में, वो भी दान करता, लेकिन वो भी वो कभी वीडियो में नहीं दिखाया। छोटा भाई मेरा डेट किया, पता है हमारे बोलना नहीं चाहिए कि अपने ही लोग ने कहा कि छोटा भाई मर गया, मरते मरते इन्होंने वीडियो बनाया और 5 लाख कमाया। बताइए, वो डेली ब्लॉग इसलिए बनाता था कि आप लोग तक पहुंचे कि उसका सिचुएशन कैसा है कैसा नहीं, लोग जाने कि अभी क्या बीत रहा है उस पर भी हमारे अपने लोगों ने नहीं छोड़ा। तो खैर छोड़िए, फिर मैं भावुक हो जाऊंगी। और फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज आई होप आज का ये होम टूर मेरा भाई का पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय महाराष्ट्र।